आप लोग देख सकते हैं कि ये है ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट वाइल्ड नॉर्थ, जिसमें नीचे समुद्र है और बहुत सारे जीव जंतु दिखाए गए हैं, सांप दिखाए गए हैं, इस तरह का जो वो होता है। ठीक है, आइए मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ आप लोग को। ये है इंडिया फ्रॉम स्पेस, जिसमें इंडिया स्पेस में कहाँ कहाँ तक जगह बना चुका है और कहाँ कहाँ पहुँच चुका है, इसमें सारी चीज़ दिया गया है। आप उसका यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सब चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको रीड करके आप जो है सारी चीज़ को पता कर सकते हैं कि इंडिया अब तक कहाँ कहाँ पर स्पेस में पहुँच चुका है। ठीक है, और ये मिसाइल है, इसरो है। ठीक है, बिल्कुल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें लिखा हुआ है इसरो भारत। देख सकते हैं आप, आई होप कि आप लोग को दिखाई देगा। जो आपके सामने मिसाइल है वो इसरो है। ठीक है, मेड इन इंडिया है। अब नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये है दोस्त सोलर सिस्टम, जो अर्थ में मूव कर रहा है। ठीक है, आप इसमें सभी कंट्रीज को देख सकते हैं, ओशियन को देख सकते हैं। उसमें सारा चीज़ वहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरह से कहाँ पर, ये जो आप उसके साइड स्पेस में इस तरह से जो है सोलर सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो अभी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसके बगल में जो है जो वीडियो दिखाई दे रहा है कि अर्थ फ्रॉम द मून, मून से कैसा नज़र आता है या मून फिर कितना डिस्टेंस है, ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं इस खूबसूरत वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा मिसाइल है जिसका नाम है GSLV। ठीक है, G2, मेड इन इंडिया है, इंडिया इन स्पेस में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे अब तक कौन कौन साइंटिस्ट जो है स्पेस में पहुँच चुके हैं और बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आप आके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई होप ये सैटेलाइट है किस तरह से काम करता है स्पेस में। ठीक है, ये सभी चीज़ और वो क्या क्या कैप्चर करते हैं, उसका स्टेशन कहाँ बना हुआ है, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक है, स्काई इज़ नॉट द लिमिट। यहाँ पर डॉक्टर विक्रम अम्बालाल सारा भाई कह रहे हैं कि स्काई इज़ नॉट द लिमिट, यानी स्काई का जो है कोई लिमिट ही नहीं है, डैट मीन्स वो इन्फिनाइट होता है। दोस्तों, ये नेक्स्ट चीज़ है टाइम मशीन, काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत सारे चीज़ जो है अंदर आपको देखने मिलेगा, जैसे कि वॉल इन चाइना और बहुत सारे जो है चीज़ इसमें दिखाते हैं जो सिमिलर है, जो उस कंट्रीज़ में है वो चीज़ को सेम टू सेम ये दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्त आप देख सकते हैं कि PSLV जो इंडियन एक रॉकेट है। ठीक है, इसका सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ लिखा हुआ भी है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है जिसके कारण मैं पढ़ूँ। ये हमारा नेक्स्ट है जो यहाँ पर दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिसाइल काम करता है। फ्रेंड्स, जस्ट अब नॉलेज के लिए जो है आप यहाँ पर अंदर बहुत सारे, जैसे कि मैं अंदर जाऊँगा, इस साइड जाऊँगा तो बहुत सारा चीज़ जो है हमें नॉलेज मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, दूरदर्शन न्यूज़, राज्यसभा TV, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी CNN। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। फ्रेंड, जैसे कि आप 2000 का नोट्स में देखते होंगे कि गगनयान लिखा हुआ रहता है। ठीक है, एक्चुअली ये एक स्पेस क्राफ्ट है जो बहुत ही आम भाषा में से हम लोग सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, जो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, ये है हमारा स्पेस क्राफ्ट का नज़ारा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो है स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं, वो किस तरह से दूसरे मतलब कि ग्रह में जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी से मंगल ग्रह जाना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्स में लैंड कर रहा है। ठीक है, तो किस तरह से कर रहा है आप लोग इससे वीडियो में तो देखते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं विजुअली आप लोग को दिखा रहा हूँ कि देखिए कि किस तरह से हमारा जो है सैटेलाइट काम करता है स्पेस में या अदर ग्रह में। ठीक है, दूसरा चीज़ है एक्सप्लोरिंग द स्पेस। ठीक है, यहाँ पर किस तरह से जो है साइंटिस्ट जो है स्पेस में काम करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोपेज अल्गेरिया, माइकल ई और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ये स्पेस जंक हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं जो देखिए बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे जो पार्टिकल्स है, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, बिल्कुल मेरे सामने प्लेन है, लेकिन बहुत सारे जो है पार्टिकल डस्ट जो है वो तैरते रहते हैं, यानी स्पेस जंग किस तरह से होता है देखिए, और यही हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं।
ये जो हमारे स्पेस में काम करते हैं एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, साइंटिस्ट किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि साइंटिस्ट किस तरह से वहाँ पर स्पेस में जाते हैं, चलते हैं, किस तरह से वहाँ पर रहते हैं, वो स्पेस क्राफ्ट में वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। रियली काफ़ी जो है खूबसूरत नज़ारा है। सभी खास करके मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर साइंस सिटी आएँ। ये भी एक खूबसूरत सा इसमें लिखा हुआ है कि स्पेस रेस इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कौन कितना रेस में है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्पेस रेस, ठीक है। बहुत सारे इसमें जो है अलग अलग कंट्रीज जो हैं, अलग अलग टाइम में कौन सा कंट्री कब पहुँचे हैं, कौन सा सेटेलाइट, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो है चंद्रयान हुआ या और अदर सैटेलाइट जो है किस तरह से जो है वो उड़ान भरता है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर न्यूज़ दे रहा है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप यहाँ से आके उसमें क्लिक करना होगा, जैसे कि ये अगर हम क्लिक कर दिए तो वो चीज़ आ गया, यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। या साइंटिस्ट किस तरह से जो है अदर स्पेस अदर ग्रह में काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इस पर ये किए तो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, या फिर मिशन या कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे। आई होप कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, आप यहाँ से ही आप क्लिक करके देख सकते हैं किस जो उड़ान भरते हैं, ठीक है, जो भी चाहे वो रॉकेट हो सैटेलाइट हो या कोई भी चीज़। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो ग्रह में हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगा कि किस तरह से जो है ना जैसे हमारे ग्रह हैं सैटेलाइट है और बहुत सारे जो ये हैं, ठीक है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। उसके अलावा और बहुत सारे चीज़ हैं, ठीक है, प्लैनेट्स हैं जो ये आपको दिखाएगा यहाँ पर एकदम डीपली। चलिए मैं एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो हम लोग टीवी स्क्रीन में जो देखते हैं तो उसके अंदर जो रील चलता है, जिसको हम लोग रियल में रील बोलते हैं, पर्दा बोलते हैं, वो किस तरह से काम करता है देखिए। आर पार हमें दीवार दिखाई देता है, लेकिन बीच में जो है एक रील चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ लिखे हुए हैं, आते हैं जाते हैं, रियली बहुत ही अवेसम चीज़ है। मैं तो कहूँगा कि ज़रूर आप लोग एक बार आइए और इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन कीजिए, देखिए कि आखिर क्या है, किस तरह से काम करता है। वहाँ सारी चीज़ ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से किस तरह से काम करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि औद्योगिकरण पर उनका दृष्टिकोण, गांधी और विज्ञान का आधुनिक उपकरण, जी गांधी चिकित्सा विज्ञान व नैतिकता, गांधी जी ने हम लोग को बहुत कुछ दिया है, हमारा देश को आज़ाद किया है, ठीक है, और बहुत सारा चीज़ इसमें आप देख सकते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा।